बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्वेइंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल शीट्स के मुताबिक बताने लगा हूँ कि ऑटो कैड के अंदर अगर आप अपना कोऑर्डिनेटेड प्लान ड्रा करना चाहते हैं, वो आपने कैसे ड्रा करना है और उसके बीच में आपने डेटा लिंक के ज़रिए, एक्सेल के उसी डेटा लिंक के ज़रिए आपने ये शीट बनानी है, तो आपने कैसे बनानी है, आपने ये प्लान बनाना है, इसके बीच में मैं आपको आइटें लगाने भी बताऊँगा और ये पूरा प्लान लगाना आपको बताऊंगा। उसके बाद ये आप ये जो डेटा आप ये देख रहे हैं, ये एक्सेल के अंदर से इधर डेटा लिंक के जरिए लगी हुई है। उसके बाद ये आपके पास है, आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर सारी लगी हुई है ऊपर इसके अंदर, और उसका स्केल हमने सेट किया हुआ है। एंड सेंड प्रिंट प्रीव्यू इन ऑटो कैड लेआउट्स, तो आपने लेआउट्स के अंदर इनको आपने कैसे सेट करना है और सेट करके उसको आपने प्रिंट प्रीव्यू के अंदर लेकर आना है, प्रिंट उसका निकालना। तो ये इधर मैं मॉडल के अंदर आ जाता हूँ, आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी शीट्स हमारी इसकी ये पूरी बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट शीट्स के ऊपर आई हुई है, और साथ इसका डेटा लिंक का पूरा टेबल साथ अटैच है। इसके नीचे आप अपने इधर लेआउट लगा के और अपना जो टेम्पलेट आपकी है वो लगा के और इसका डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बनानी है ये रेक्टेंगुलर्स वगैरह, और ये पूरा डेटा लिंक आप ये देख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर्स के शेप में हमने इसको बनाया हुआ है। उसका आगे उसका पूरी आरडी प्लान जितने डिस्टेंस के ऊपर जो आप लगाना चाहते हैं उसके ऊपर ये प्रिंट सारा आपका इधर से बिल्कुल वाजिया नज़र आएगा। इसके अंदर आप अपना नार्थ लगा सकते हैं, आप अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं नीचे अपनी टेम्पलेट लगा के, और इसको आप प्रिंट की शक्ल में लेकर आ सकते हैं जिधर भी जिस तरीके से भी आप इसको जिस शेप के अंदर भी आप उसको प्रिंट में लेकर आना चाहते हैं, पीडीएफ में लेकर आना चाहते हैं, या जैसे जोन से भी आपके पास प्रिंटर है एचपी का या जो भी प्रिंटर आप प्रिंटर के साथ लगा हुआ है उसका आपने प्रिंट को कैसे सेट करना है। तो आपको ये जैसे शीट के मुतालिक मैं आपको बताऊँगा कि आपने इनको आपने कैसे सेट करना है, इसके प्रिंट को आपने कैसे अपने पीडीएफ शेप में या प्रिंटर के हिसाब में आप उसको सेट करके और उसको पूरा इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल वे होएगा इसका, पूरा तरीकाकार मैं आपको इधर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, इसकी प्रिंटिंग के मुतालिक भी और इस शीट को सेटिंग करने के मुतालिक और इस डेटे को इधर इंपोर्ट करने के मुतालिक, और इसके बाद इसके अंदर जो हमारी आरडीज वगैरह लगी हुई है ये भी मैं आपको बताऊँगा लिप्स कमांड के ज़रिए। ये आरडी मैंने इधर लगाई हुई है, इसको हमने ऐसे लगाना है। तो ये बहुत यूज़फुल एक वीडियो है, आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो ये आप हम इधर आ जाते हैं अपने ऑटो कैड की पीडीएफ की ड्राइंग्स हैं ये हमारे पास, आप ये देख रहे हैं ये ऊपर प्लान बना हुआ होता है, इस प्लान के हिसाब से आपने इसका डेटा कलेक्ट करना होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह एक्सेल के अंदर, और उसके बाद हमने इसको बनाना होता है अपनी ऑटो कैड के अंदर। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, सिविल 3D है, ईगल पॉइंट्स है, या जो भी रोड का डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर ये चीज़ें बनती हैं, ये हमारा प्लान बनता है। तो ऑटो कैड के लिए बनाने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं ये जा रही है इनके, ये सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये इनके कर्व डेटा के हिसाब से ये क्रिएट होते हैं। ऊपर हमारे पास इसके डेटा भी, हॉरिजॉन्टल डेटा और वर्टिकल डेटा भी आप लगाना चाहते हैं, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको बनाने होते हैं, और बनाने के बाद इसको प्लान को हमने इधर ड्रा करना होता है। तो ये इसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये मैंने पहले ये NEZ डेटा कैलकुलेशन शीट विद सर्कुलर कर्व एंड वर्टिकल कर्व के हिसाब से मैंने बनाई थी, बहुत यूज़फुल शीट है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर आप अपना, मैं आपको बता दूँ ये शीट आपकी डिज़ाइन के हिसाब से भी काम करती है, अगर आपके पास PI के ईस्टिंग नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट्स और रेडियस आप खुद उसका एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी आप इधर दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो वर्टिकल कर्व्स का जो डेटा होता है उसको भी आप इधर इनपुट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट से लेके एंड ऑफ प्रोजेक्ट तक 10 PIs के साथ अंदर काम करता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम इसको प्रोग्राम को यूज़ करते हुए अपना पहले डेटा बनाएंगे, और डेटा बनाने के बाद हम ऑटो कैड के अंदर उसको इम्पोर्ट कराएंगे, और इम्पोर्ट कराने के बाद उसके ऊपर RDs और बाकी प्लान उसका बताएंगे। तो ये आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स हैं उसके तो फिर तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है इस तरह का, आपके पास प्लान है कोऑर्डिनेटेड प्लान है हार्ट शेप के अंदर, तो आपने उसका डेटा इधर से इनपुट करना है। डेटा कैसे इनपुट करना है, आपने बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट दे देना है, और उसके बाद नेक्स्ट शीट के ऊपर आना है, और जो वर्टिकल कर्व तो आपके पास जा रही है इधर आप देख रहे हैं जा रहा होता है, तो जो हमारे पास इधर वर्टिकल कर्व इसकी जा रही हैं वो आपने इधर इसकी तरतीब वाइज इनपुट करना है, PI 1 PI 2 PI 3, और इसके बाद लास्ट पे एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपने इनपुट कर देना। तो आपके पास जितनी भी कर्व्स हैं इधर हॉरिजॉन्टल कर्व्स वो आप दे सकते हैं, 10 कर्व्स तक का ये डेटा है, उसके अंदर शॉर्ट के अंदर जितनी भी आपके पास हैं 2 हैं 3 हैं 3 मिनिमम, इसके अंदर आप बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, एक सेंटर वाली कर्व और एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपने लाजमी देना है। उसके बाद आगे जितनी भी आपके पास
करा सकते हैं, सारी आप इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं दोनों डेटेस के अंदर। तो आपने डेटे के अंदर आपने स्टार्ट स्टेशन इधर से दे देना है, उसके बाद पीआई की ईस्टिंग नॉर्थिंग, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ये आप जो देख रहे हैं इधर, ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ जाएगा, ये आपने इधर पहले दे देना है। और उसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट आपने PI1 ये आपके पास है, उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग उसका रेडियस देना है, PI2 उसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग रेडियस देना है। ये डेटा मैंने फॉर्मेट इधर बनाया हुआ है, आप इसको देख के भी बना सकते हैं डेटा, और अपने जो आपके पास ड्राइंग्स वगैरह हैं उसके अंदर से भी आप इसका डेटा इसके अंदर इनपुट करेंगे। वो डेटा आप इधर इनपुट कर देंगे तो ये नीचे आपके पास सारी इसकी कैलकुलेशंस वगैरह आ जाएंगे। तो ये डेटा हमें बेसिकली चाहिए इसका, आप देख रहे हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन तीनों चीज़ें इसके अंदर हैं। आपने अगर सिर्फ कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाना है उसके अंदर आप NEZ देना चाहते हैं, एनी ईस्टिंग और नॉर्थिंग देना चाहते हैं, उसके एलिवेशन नहीं देना चाहते, तो आपने ये वर्टिकल क्रॉस का जो डेटा प्रोग्राम है उसको आपने नहीं बनाना। अगर आप तीनों चीज़ें देना चाहते हैं XYZ ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन, तो आपने इधर से जो से भी आपके पास वर्टिकल क्रॉस का डेटा इधर आया तो आपने वर्टिकल क्रॉस का डेटा भी देना है और हॉरिजॉन्टल क्रॉस का भी डेटा देना है। अगर आप सिर्फ कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाना चाहते हैं और शीट के अंदर आप जिस तरह ऑटो कैड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ रही है, इसमें आ रही हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन पूरा, आप ये देख रहे हैं इसके ऑफसेट हैं, सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट साइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पूरे प्लान के हिसाब से जो भी प्लान का ऑफसेट हम इधर से देंगे वो लगाना चाहते हैं तो वो आप ऑफसेट्स भी इधर लगा सकते हैं। अगर आपने सेंटर लाइन के ऊपर बनाना है तो आप जस्ट इधर से सेंटर लाइन का डेटा भी आप देख के उसके ऑफसेट्स के ऊपर बना सकते हैं। तो ये जब ये प्लान बनता है तो उसके ऊपर जो राइट और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स ऑफसेट वो आप देना चाहते हैं तो वो भी आप इस प्रोग्राम के जरिए कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो आपने ये डेटा इसी इनपुट कर देना है, आपने बिगनिंग ऑफ स्टेशन उसकी स्ट्रिंग नॉर्थिंग और इसी तरह PI1 से लेके और PI10 तक, उसके बाद एंड ऑफ प्रोजेक्ट जो जा रहा है उसका आपने इस स्ट्रिंग नॉर्थिंग और उसका रेडियस आपने दे देना है। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेट्स के ऑफसेट दे देने, जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपको उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 20 के ऊपर चाहिए लेफ्ट साइड के ऊपर तो आपने जैसे 20 इनपुट कर देना है, अगर आपको जैसे 50 के ऊपर चाहिए तो आपने 50 लेफ्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर भी इसी तरह 50 के ऊपर चाहिए तो 50 कर दें और जितने भी करना चाहते हैं तो वो कर दें। तो जो भी जैसे आप ऑफसेट देंगे वो ऑफसेट आपका कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से भी और वर्टिकल डेटे के हिसाब से भी उसके एलिवेशंस को इधर नीचे कैलकुलेट करेगा सेंटर लाइन के ऊपर, इसके सेंटर लाइन के मतलब ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन होगा और लेफ्ट साइड के ऊपर 15 मीटर का जो डिस्टेंस होएगा उसी तरह ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशंस के भी वही फॉर्मेट होएगा हमारा सेम टू सेम। तो ये आपने इधर से दे देना है। तो इसके अंदर आप आगे आते हैं इनपुट वाले सेक्शन के अंदर, पेमेंट स्लोप इधर दी गई है 1.5 लेफ्ट साइड के ऊपर और 1.5 राइट साइड के ऊपर। तो पेमेंट स्लोप आपने किधर से देनी है, आपने अपने TP के सेक्शन के हिसाब से दे देनी है। जो भी आपके पास इधर पेमेंट की स्लोप इधर दी गई है 1.5% इधर आप देख रहे हैं दोनों साइडों के ऊपर, तो आपने स्लोप इधर से इसके अंदर जस्ट इनपुट करनी है। तो उसके हिसाब से आपके ऑफसेट्स जो होंगे उसके वो एलिवेशन भी कैलकुलेट करेगा इस स्लोप के हिसाब से, जो भी स्लोप आपने इधर TP का सेक्शन के हिसाब से जो भी प्लान के ऊपर आपको दी गई है तो उसके हिसाब से आपको नीचे उसकी कैलकुलेशन एलिवेशंस की भी इसी तरह उसी ऑफसेट के ऊपर उसी स्लोप के ऊपर ये करके देगा। तो एक बहुत यूज़फुल प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको मेरी, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी इस डेटे की तो आप लाजमी देख लीजिए, नहीं तो ये आप इसके ऊपर भी मैंने आपको इसका मेथड बता दिया है। तो आपने इधर से डेटा येलो सेल के अंदर इधर से इनपुट कर देना है और नीचे आपके सारे कोऑर्डिनेट्स इसके वर्टिकल क्रॉस के हिसाब से आपके आ जाएंगे। प्लान प्रोफाइल के ऊपर आपके पास 10 PI का आप डेटा दे सकते हैं, वो आपकी मुख्तलिफ लेंथ होती है, मुख्तलिफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस के हिसाब से प्लान और प्रोफाइल डिसाइड की जाती है, बनाई जाती है। तो आपके पास जो आपके पास स्टार्ट जा रहा है और इसी तरीके से जो आपके पास एंड जा रहे हैं वो आपने इधर से इसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड और इसी तरीके से वर्टिकल क्रॉस का डेटा आपने इन दोनों कॉलम्स के अंदर इनपुट कर देना। ये हमारे पास सेक्शन है PI डेटे के हिसाब से और ये सेक्शन है हमारे पास वर्टिकल डेटे के हिसाब से। तो इसमें सेम टू सेम 10-10 कर्व्स का डेटा आपने इनपुट किया हुआ, ये दोनों डेटे मैंने इधर वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व का डेटा इधर लगाया हुआ है, आपने उसको इधर इसी तरीके से इनपुट कर देना है। तो जो डेटा आप कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाना चाहते हैं जिस RD से लेकर जिस RD तक, उसका आपने इधर से स्टेशन और उसके वर्टिकल कर्व आपने दे देना है। अगर आपके पास 5 है तो आपने इधर से 5 तक देना है, आगे आपने इसी तरीके से उसको इधर ख़त्म कर देना है। तो ये 5 तक का हमारा प्रोग्राम चलेगा, इसकी ID ऑटोमेटिकली इधर कैलकुलेट हो जाएगी। मिनिमम आपने 3 पॉइंट्स देने हैं इसके अंदर, बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आपने PI1 और उसके बाद एंड ऑफ प्रोजेक्ट जो आपका एंड पॉइंट होगा वो आप इधर दे सकते हैं। 3 पॉइंट से कम आप देंगे तो ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के अंदर।
उसके बाद ये स्टेशन इंटरवल है, आपको जितने जितने इंटरवल के ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये सात स्टेशन हैं और ये हमारे पास सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये लेफ्ट साइड के और ये राइट साइड के। तो आपको अगर 20 मीटर का इंटरवल चाहिए तो ये आपके पास, आप 20 लिख के एंटर करेंगे, ये आपके पास 20 मीटर के ऊपर सारे कोऑर्डिनेट्स राइट सेंटर लाइन और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स इधर आ जाएंगे। 50 के ऊपर आप कोऑर्डिनेटेड प्लान बनाना चाहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स प्रिंट आउट करना चाहते हैं, एक ही के ऊपर प्लान बना हुआ और नीचे उसके कोऑर्डिनेट्स हों, तो आपने इसी तरीके से आप 50 मीटर का इंटरवल ऐड कर दिए तो ये आपके स्टेशन 50 मीटर के ऊपर चले जाएंगे। 100 मीटर तो 100 मीटर के ऊपर ये पूरे कोऑर्डिनेट्स आपके पास उसी तरीके से NEZ XYZ डेटा आपके पास आ जाएगा, सेंटर लाइन का भी, लेफ्ट और राइट ऑफसेट का भी। लेफ्ट और राइट ऑफसेट आप इधर से चेंज करेंगे और इधर आपने पेवमेंट की स्लोप इनपुट कर देनी है। तो ये प्रोग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा, इधर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आगे ये इसके अंदर सारी कैलकुलेशंस वगैरह ये हुई हुई हैं, ओपन शीट होगी, आप इसको देख सके अपना काम मजीद भी कर सकते हैं। तो अगर इसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हम कोऑर्डिनेटर जो भी प्लान बनाएंगे उसके अंदर अगर आपके पास कोऑर्डिनेट हैं तो वह आप एक्सेल के अंदर डायरेक्ट लिखेंगे, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, रैंक्स है उसके ऊपर आप बनाना चाहते हैं तो वो आपने कैसे बनाना है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आपने इधर से अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो आप इधर से कोऑर्डिनेट्स इंटर करके और नीचे सारे कोऑर्डिनेट्स का आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर से इस पॉइंट को एंड पूरी शीट को इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसा ये मैं आपके सामने जा रहा हूँ, इधर जिधर तक आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जो भी आप कैलकुलेशन आपने दी गई होगी उधर तक के ये कोऑर्डिनेट्स को आप इधर ID के साथ राइट क्लिक करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने इधर से न्यू एक्सेल की फाइल ओपन कर लेनी है, न्यू फाइल के ऊपर आपने आ जाना है, बिल्कुल फ्रेश फाइल आप आ जाएँ उसके ऊपर और इधर आप अपने अपना डेटा इधर पेस्ट कर देना है, उसको पेस्ट एज ए वैल्यू आपने इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास इधर इसकी RDs आ गई हैं, लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन सेंटर लाइन, ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन राइट साइड, ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन, ये तीनों वैल्यूज़ इधर हमारे सामने आ गई हैं जो हमारे पास इधर लिखी हुई थी सारी, इधर से हमने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के बाद आपने एक्सेल की न्यू शीट ओपन करने के बाद इसके ऊपर आके आपने इस डेटा को पेस्ट कर देना है और उसको आपने थोड़ा सा उसकी सेटिंग वगैरह कर देनी है, जो कि आप प्रिंट के ऊपर उसकी सेटिंग जितनी भी जिस हिसाब में भी आप करना चाहते हैं दे सकते हैं। इधर आप ये देख रहे हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल्स हैं, इसको आप इधर से डिलीट कर दें, इधर से पूरा का पूरा इसको आप एक फॉर्मेट के अंदर ले आएँ और इधर से आपके सामने ये स्टेशन जा रहे हैं, इसको आपने इधर से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद एंड तक आ जाना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर चले जाना है, कस्टम में आपने आ जाना है और इधर से आपने इसकी RD फॉर्मेट बना देना है 0+00 या जो भी आपके पास RD फॉर्मेट चल रहा है, तो ये आपने इस तरह बना देने हैं। उसके बाद आपने ऊपर से आना है और कॉलम्स आपने सारे सेलेक्ट कर लेने और राइट क्लिक करके कॉलम की विड्थ आपने एक उसकी सेम टू सेम कर देनी है, मैं इधर से 15 उसकी कॉलम की विड्थ कर देता हूँ और इधर से आप उसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो जो से आपकी सेटिंग होगी आप इसकी सेटिंग को इधर से सेट कर दें, थोड़ा से लेफ्ट और राइट साइड के कॉलम्स वगैरह को इसी तरीके से इधर उसकी सेटिंग कर दें और इधर से आपके पास स्टेशन जा रहा है इसको भी आपने इसी तरह सेट कर देना है। इसके बाद जो हेडिंग है आपकी उसको आप थोड़ा सा बड़ा करके और बोल्ड कर दें, तो ये हमारे पास इसके राइट लेफ्ट साइड ऑफ साइड राइट साइड ऑफ साइड और ये नीचे सारे से कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो कि इधर हमने कैलकुलेट किए थे वो सारे आ जाएंगे। अगर आपके पास एक्सेल के अंदर आपके पास पहले ही कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं तो आपने उस फाइल को कॉपी करके इसी तरीके से पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद इधर अपना पूरा टेबल क्रिएट करना है। उसके बाद आपने इसी तरह इस फॉर्मेट को पूरा सिलेक्ट करके आप इधर नीचे तक ले आएँ और जैसे राइट क्लिक कर दें, उसके ऊपर फॉर्मेट सेल के ऊपर चले जाएं, बॉर्डर के ऊपर आ जाएं और इधर से आप अपना कोई बॉर्डर जो आप बनाना चाहते हैं आउटसाइड के ऊपर और इंटरनल जो आपके पास सेल्स हैं उसके ऊपर आप इसका इधर से बॉर्डर क्रिएट कर दें। बॉर्डर क्रिएट कर देंगे तो ये आपके सामने पूरी उसकी बॉर्डर की शेप के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से ऊपर जो डिस्क्रिप्शन जा रहा है इसको भी आप थोड़ा सा इधर से बोल्ड कर दें, तो ये हमारे पास शीट आ जाएगी। इधर से आपने इसको बिल्कुल एंड के ऊपर रखना है और ऊपर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम वगैरह देना चाहते हैं जो भी, तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं देना चाहते तो आपने इधर से उसको लूप ख़त्म करके और इधर स्टार्ट के ऊपर इधर ले आना। जैसे जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे ईस्टिंग नॉर्थिंग के अलावा जो एलिवेशन वाला सेल है इसके अंदर हमारे पास ये एरर का निशान आ रहा है एलिवेशन का, तो आपने इधर से उसके लिए परेशान नहीं होना, आपने पूरे सेल को इधर से एलिवेशन का जो सेल जा रहा है नीचे तक इसको आपने इधर से कॉपी कर लेना है। दोबारा कॉपी करने के बाद आप इसको इधर पेस्ट कर दें, पेस्ट जैसे वैल्यू और इधर आपने सेल के ऊपर आना है और इसको इधर से आपने इग्नोर एरर कर देना है। इसी तरीके से आपने इस एलिवेशन वाले सेल के ऊपर भी आ जाना है जो आपका सेंटर लाइन वाला है, इसको कॉपी करना है आपने। इधर आपने
और इधर से आपने इग्नोर एरर कर देना है। इसी तरीके से लास्ट वाले कॉलम्स को भी आपने इसी तरीके से कर देना है, क्योंकि उधर हमारा जो मेन प्रोग्राम था उसके अंदर वो पूरे फार्मूलाज लगे हुए थे, तो इधर कॉपी पेस्ट करते हुए आपने उसको इसी तरीके से इग्नोर कर देना। तो आप इग्नोर करेंगे तो ये आपका पूरी शीट उसी तरीके से एग्जैक्ट हो जाएगी जो कि हमारे पास इधर आया हुआ है। तो ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन इसकी हुई हुई थी। ये प्रोग्राम का लिंक भी आप इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसी फाइल के जो जिप फोल्डर बनाऊंगा उसके अंदर रखूंगा। उसके बाद आपने इधर से डेटे को इधर इनपुट करके और जो भी आप जितने इतने इंटरवेल के ऊपर अपने कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहते हैं उसको बनाने के बाद आपने उसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद एक्सेल की नई शीट के ऊपर आना है और उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसका फॉर्मेट वगैरह आपने जो भी डेटा लिंक टेबल के जरिए बनाना चाहते हैं, इसके कॉलम के सेल, इसकी हेडिंग वगैरह, वो सारी आपने उसी तरीके से एडजस्ट कर देनी है जिस तरीके से इधर मैंने आपके सामने इधर आपको बताया। उसके बाद ऑटो कैड के अंदर हमने ये डेटा प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करना है उसके मैं दो तरीके आपको बताऊँगा। पहला तरीका, हमारे पास ये जो प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने जैसे सारा आपने ऑफसेट्स वगैरह सारे बनाए थे, तो आपने इधर से जस्ट ऊपर आपको बटन नज़र आ रहा है, आपने उसको इधर से क्लिक करना है। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इधर ऑटो कैड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी और इसके अंदर ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। ये सेंटर लाइन हमारी जा रही है और ये हमारे राइट और लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इधर से आप इसके जो भी इधर से आपने इसका ऑफसेट चेंज करना है, इधर 50 था तो मैं इधर से 25 करता हूँ इधर, और दूसरी जगह को भी आके 25 करता हूँ, और इधर से मैंने जस्ट इसको पेस्ट करना है तो आप देखेंगे ऑटो कैट के ऊपर ऑटोमेटिकली वो मेरी लाइंस इधर लग गई है। इसी तरीके से आप जो जो से भी आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं माइनस, और आपके पास इनर शोल्डर है हमारे पास -1.2 का और इधर इसी तरीके से 1.2 का, और इधर से आपने इसको इधर ऑफसेट दे के और इधर प्लॉट टू ऑटो कैट करना है, तो आप ये देखेंगे इधर हमारे पास 1.2 के ऊपर भी उसकी लाइन लग गई है और इसी तरीके से बाहर की लाइन। तो इधर से मैं इसको दोबारा ख़त्म करके मैं आपको एक दफ़ा मज़ीद इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के साथ बता देता हूँ। ये पहले ऑफसेट आपने अपने टीपी के सेक्शंस के हिसाब से जो हमारे पास आ रहे थे अपने इस प्लान के ऊपर आप इसको पूरा बनाना चाहते हैं, तो आपने इधर से सेंटर लाइन के ऊपर दे देना है। इधर मेरे पास 31.275 हमारे पास इधर ऑफसेट आ रहा है। पहला ऑफसेट हमारे पास येलो लाइन का, उसके बाद 10.8, उसके बाद 3.3 मीटर का जो शोल्डर आ रहा है, तो ये आपने ऑफसेट सारे इधर से प्लस करके और इधर अलग अलग लगा देने हैं। तो आपने इस प्लान के ऊपर इसी तरीके से आके लगा सकते हैं। इधर 1.2 है, उसके बाद मेरा इसी तरीके से 10.8 होएगा, तो मैंने उसके अंदर -1.2 ऐड कर देना है। तो कैलकुलेटर को मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास 1.2 प्लस 10.8 के ऊपर मेरी सेकंड लाइन, या मैं अपनी लाइंस को लगाना चाहता हूँ 1.2 के बाद 3.60 के ऊपर पहली लाइन में लगाना चाहता हूँ, तो पहली लाइन मेरी आएगी 4.8 के ऊपर। तो आपने इधर से -4.8 कर देना है और इधर आपने 4.8 प्लस के ऊपर कर देना है, और इधर से आपने ऑटो प्लॉट टू ऑटो गाइड क्रिएट करेंगे तो ये आप देखेंगे ये हमारे पूरे प्लान के ऊपर उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन हमारी इधर लग जाएगी, ये जो आप दूसरी लाइन जा रही है। इधर से मैं इसका ऑफसेट चेक कर लेता हूँ डायमेंशंस की मदद से, तो ये आप मैं इधर आपके साउंड चेक करूँगा। ये हमारे पास 3.6 का ऑफसेट हमारे पास आया हुआ है। इधर इसी तरीके से हमारे पास पहला ऑफसेट 1.2 का और दूसरा ऑफसेट हमारे पास इधर 3.6 का आया हुआ है। तो इसी तरीके से आपने 4.8 के अंदर मज़ीद आपके पास जितनी प्लान की लाइन जा रही है वो आपने ऐड कर देनी है, प्लस 3.6 आप इसके अंदर और ऐड कर दें तो 8.4 आ जाएगा। तो आपने इधर से -8.4 अपना लेफ्ट साइड और राइट साइड भी इसी तरीके से 8.4 के ऊपर आपने इधर से लगा देना है, और प्लॉट टू ऑटो कैड आपने प्रेस करना है, वो तो ये आपके पास अगली नेक्स्ट लाइन भी इसी तरीके से इधर ड्रा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास मज़ीद एक लाइन है, थ्री लाइन्स आपके पास हैं, तो आपने इसके अंदर प्लस 3.6 और ऐड कर देना है, तो 12 मीटर का हमारे पास आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड का ऑफसेट माइनस के अंदर, और इसी तरीके से राइट साइड का ऑफसेट भी हमारा 12 के ऊपर आ जाएगा। प्लॉट टू ऑटो कैड भी आपके पास ऑटो कैड के अंदर हमारे पास तीसरी लाइन भी इधर लग जाएगी। तो उसके बाद आपके पास जो इनर शोल्डर है वो आपके पास आउटर शोल्डर 3 मीटर का है, तो आपने इसके अंदर प्लस 3 कर देना है, तो ये 15 मीटर का हमारे पास बिल्कुल आउट मोस्ट पॉइंट आ जाएगा, -15 और इधर इसी तरीके से 15। तो ये 15 का करने के बाद आपने प्लॉट टू ऑटो कैड कर लेना है, और इधर आपके पास आएंगे तो ये आपके पास इस थर्ड नंबर के ऊपर जो लाइन लगेगी हमारी वो 3 मीटर के ऊपर इधर ऑफसेट के हिसाब से इधर लग जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं 2.988 वो डायमेंशन लेते हुए आ गई है। तो ये आपने इसको इसको आपने प्लान के फॉर्मेट के ऊपर ले आना है, ऊपर लेयर्स इसकी बना देनी है आपने इसी तरीके से, जो जो सी भी आपके पास जा रही है सेंटर लाइन है तो आपने इधर से सेंटर लाइन कर देना है, और उसके बाद इसी तरीके से इसकी जो कलर्स वगैरह लाइन का वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं।
वो इधर कंटिन्यूस आपके पास, आप इसको कंटिन्यूस रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसके ऑफसेट्स, या आप इसकी लैंडमार्किंग कह दें, लैंडमार्किंग कह दें, ऑफसेट्स आप कह दें, जो भी वो आपने इसका जैसे इसी तरीके से इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो आपने चेंज कर देना है। मैं येलो कर देता हूँ और कंटिन्यूस में आपने आना है, उधर से आपने लोड के ऊपर आ जाना है। तो इधर से आपके पास कोई भी डॉटेड लाइन आप इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर जो आपकी लैंड मार्किंग की जा रही होती है। इधर से मैं इसकी इसी तरीके से सेंटर की लैंड को मैं जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये आपके पास इधर बन जाएंगी। तो आपने लेयर्स बना देनी है। लेयर्स बनाने के बाद आपने सेंटर लाइन को इसी तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है, सेंटर लाइन को। तो आपने जैसे सेंटर लाइन को जैसे सिलेक्ट करना है, जैसे आपने उसको लेयर के अंदर आपने ले आना है। इधर सेंटर लाइन वाली लेयर के अंदर आपने इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इसी तरीके से जो आपके पास ऑफसेट्स वाली लाइन जा रही है, जो आपकी वाइट की लाइन्स होंगी ऑफसेट्स वाली, आपने उसको जैसे सिलेक्ट करना है। और इसी तरीके से दूसरी साइड वाली लेंस को भी आपने सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर से आपने इसको लेयर्स के अंदर ले आना है। तो ये हमारे पास जो लेयर आ रही थी ऑफसेट्स की, अभी आप ये देखेंगे हमारी पूरी जो लेंस थी वो भी लेयर के ऊपर आ गई है। इधर से आपने इसी तरीके से बाई लेयर सबको आपने कर देना है इधर से, और ये आपकी लाइन सारी बाई लेयर में आ जाएंगी। तो ये आपका इसी तरीके से ये प्लान बन जाएगा सारा आपका, जो भी होएगा जिस तरीके से आपके आपने ऑफसेट्स इसके साथ किए होंगे, ये टोटल शुरू से लेके एंड तक का ये पूरा प्लान हमारे पास इधर बन जाएगा। उसके बाद आपने कमांड बार के अंदर आना है और इधर प्रॉपर्टी आपने टाइप कर देना, तो ये प्रॉपर्टी की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इधर से आपने इन लाइन्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो सी भी आपकी डॉटेड लाइन्स वाइट लाइन जा रही थी इनको आपने दोनों तरफ से सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद से प्रॉपर्टी वाली टाइप के ऊपर आपने आ जाना है और जैसे लाइन टाइप स्केल आपने इसका चेंज कर देना है, जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो 25 आप कर दें तो ये आपका 25 के ऊपर थोड़ा सा स्केल इसका एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने इसको इसी तरीके से इसके स्केल वगैरह को एडजस्ट आप कर सकते हैं, इसकी लेंस वगैरह को आपने एडजस्ट करना है। तो आप इधर से लाइन टाइप स्केल के अंदर आके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्लान हमारा बन जाएगा। तो ये आप ऑटो कैड को इस तरह आते हैं, तो ये आपके सामने प्लाट टू ऑटो कैड वाला बटन था, ये इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। इधर से आपने इसको राइट क्लिक करना है और अगेंस्ट मैक्रो के ऊपर चला जाना है। इधर से आपने एडिट के ऊपर चला जाना है और इधर आपने इसको नहीं छेड़ना किसी चीज़ को भी, और इधर आपने इधर टूल्स के ऊपर आ जाना है। इधर परफॉर्मेंस आपको नज़र आ रही है, तो आप ये देख रहे हैं ऑटो कैड 2021 का मेरे पास ये सिलेक्ट हुआ है। ये जो ऑटो कैड है मेरे पास ये 2001 का है। तो आपके पास जो सा भी ऑटो कैड का वर्जन है आपने इधर से उसकी ऑटो कैड की लाइब्रेरी को सिलेक्ट करना है। इधर से मेरे पास 2012 भी है, तो मैं इधर से 2012, आपके पास भी जो है 2007 है, 6 है, 5 है, 8 है, तो वो आपने जो इधर से आपने उसकी लाइब्रेरी को इधर से सिलेक्ट करना है। नीचे से आपने उसके ऊपर देख लेना है और इधर से ऑटो कैड जो सा भी आपके पास वर्जन स्टाइल है तो आपने उसको इधर से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप ये देख रहे हैं ऑटो कैड 2012 है मेरे पास, तो मैं उसको इधर से 2012 के ऊपर इसको मैं सिलेक्ट करके इधर से ओके कर दूंगा। तो आपके पास भी जो सा भी वर्जन है इसके अंदर, तो आपने इधर से उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको इधर से ओके करना है और इधर से आपने उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने उसका ऑप्शन को आपने इधर से क्लोज कर देना है और उसके बाद आपने प्लाट टू ऑटो कैड वाले बटन को क्लिक करना है। अभी 2012 ऑटो कैड जो है मेरा, उसके अंदर मेरा ये सारा प्लान ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऑटो कैड की विंडो भी नई ओपन हुई है ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर वो प्लान भी मेरा पूरा बन गया। तो ये 2012 था और ये मेरे पास 2021 जिसके ऊपर हमने इसकी सेटिंग की है। तो आपने इसकी सेटिंग्स को, इस प्लान प्रोग्राम की सेटिंग को इसी तरीके से इसके अगेंस्ट मैक्रो के अंदर चले जाना है और इधर से आपने एडिट के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने टूल्स के ऊपर आना है परफॉर्मेंस के ऊपर, और इधर से आपने अपनी ऑटो कैड की लाइब्रेरी इसके अंदर आपके पास आ रही होगी। थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो आपके पास इसी तरीके से उधर आपका ये जो से भी ऑटो कैड का वर्जन होगा उसके ऊपर ये आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो आपने इसको इसी तरीके से, इस प्लान को उसी तरीके से बना देना है और इधर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका प्रोग्राम इसी तरीके से रन करेगा। बहुत यूजफुल प्रोग्राम है, आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं इधर, मेरे पास ये डेटा जो हमने इधर बनाया था, आप इसको, आपके पास कोऑर्डिनेट्स पड़े हुए हैं तो आपने इसको इस शेप के अंदर ले आना है। इस शेप के अंदर लाने के बाद आपने इधर से इसको, मैं पहले बता दूँ कि आपने इसको डेटा को कैसे बनाना है ऑटो कैड के अंदर। आपने इधर से इक्वल टू करना है और इसकी सेंटर लाइन की स्ट्रिंग, उसके बाद आपने एंड लगाना है, डबल कामा, सिंगल कामा, डबल कामा, कीबोर्ड की मदद फिर एंड, और इधर आपने नर्थिंग को सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने इधर से इसको सेल को थोड़ा उसके बराबर कर देना है और डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नीचे तक, जिधर तक आपके पास जा रहा होगा ये सारा पेस्ट हो जाएगा।
आपने इधर से इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ऑटो कैड के ऊपर आ जाना है। तो ये हमारे पास प्लान था, उसके हिसाब से बनाया था। न्यू प्लान के ऊपर मैं आ जाता हूँ आपके पास। इधर आपने इसी तरह उसकी लेयर्स वगैरह बना देनी है, मैं इधर से जस्ट आपको बता देता हूँ। तो इधर से आपने पॉली लाइन की कमांड ले लेनी है और उस तरह से उसको आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ड्रा हो जाएंगे। जूम एक्सटेंड आपने कर देना तो ये आपके पास सेंटर लाइन आ जाएगी। इसके बाद आपने इसके ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स भी इसी तरीके से दूसरे ऑफसेट आप प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल प्लान बनाना है तो उसके लिए हमारे पास सेंटर लाइन आ गई है, तो आपने इससे ऑफसेट ले लेना है 1.2 का, और जैसे आपने 1.2 प्लस का ऑफसेट दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इधर लगा देना है। इसका आपने लाइन कलर वगैरह इसी तरीके से आप इधर चेंज कर दें, इसकी लेयर्स बना के उसको सिलेक्ट कर दें। मैं जैसे येलो कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 3.60 की हमारा लाइन है, तो 3.60 का ऑफसेट मैंने जैसे पहला इधर दे देना है, दूसरा इधर, उसके बाद इसी तरीके से सेकेंड, और इसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और जैसे फिर थर्ड, उसके बाद लास्ट जो हमारे पास था 3 मीटर का, तो आपने 3 इधर से उसके अंदर लगा देना है। तो 3 लगाने के बाद आपके पास जो सी भी लाइंस आपके पास जा रही हैं इसको आपने बाई लेयर बना देना है इधर, या इधर से आपने वाइट इसको करके और इधर से आपने बाई लेयर के अंदर आना है, इसकी लाइंस टाइप के अंदर अदर्स के अंदर आ जाना है आपने, और इधर से आपने लोड के ऊपर आना है, और इधर से आपने सेंटर उसका जो भी सेंटर का आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करके इसको इधर से लोड करके ओके कर दें, और इधर से आपने इन लाइंस को दोबारा सिलेक्ट करना है, और इधर से आपने इसकी डॉटेड लाइंस इसी तरीके से लगा देनी है। तो ये आप दोनों प्लान आप बना सकते हैं अपना जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हैं। तो ये सेम टू सेम इसी तरह आपका प्लान बन जाएगा। इसका आप स्केल वगैरह जैसे चेंज कर सकते हैं इसके डॉटेड लाइंस का अपने प्लान के व्यू के हिसाब से। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताएं कि आपने इसको कैसे बनाना है। अगर आप इस प्लान के ऊपर आके बनाते हैं तो आपने उसके ऑफसेट सिर्फ देने हैं और प्लॉट बटन का कैलकुलेट कर देना है, और अगर आपके पास डेटा मौजूद है उस डेटा को आपने इधर से बनाना है, और बनाने के बाद ऑटो कैड के अंदर पेस्ट करके और इसका अपना प्लान आपने इधर से बना देना है। तो ये दोनों तरीक़ेकार थे। इसके बाद आगे हमारे पास ये प्लान बन जाएगा, तो इसके अंदर हमने अभी RDs लगानी है। सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी RDs को लगाएंगे। RDs को लगाने के बाद इसका डेटा लिंक को हम इसके टेबल को ये जो हमने बनाया है इसको हम फॉर्मेट की शक्ल में लेकर आएंगे और उसके अंदर इंपोर्ट। तो हमने जो इसकी RDs लगानी है उसके मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, मैं आपको लिप्स के ज़रिए इसके अंदर बताऊंगा। इससे पहले की जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको मैनुअली बताया था, 2-3 तरीक़ेकार बताए थे। उससे पहले मैं एक वीडियो और भी अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर कि आपने इसकी RDs को कैसे लगाना। तो हम लिप्स की RD को लगाएंगे, तो उसके लिए आपने एप्लीकेशन ऐप लोड के ऊपर आ जाना है। उसकी शॉर्ट की है, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जैसे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर चला जाना है, इसके ब्रीफ केस को क्लिक करना है, और अगर ये आप ये देख रहे हैं मेरे पास इसकी RDs की एक ये कमांड पड़ी हुई है। ये कमांड RDs लगाने के काम आती है और ये RDS के नाम से रन करती है। तो ये रन जो होएगी ये RDS के नाम से ये इधर RD रन होएगी। ये आप ये देख रहे हैं डिफॉल्ट इसका जो है RDS के नाम से। तो आपने इसको जैसे लोड कर लेना है, ओपन करना है, और जैसे इसको क्लोज कर देना है, और जैसे इसको भी क्लोज कर देना है। इस फाइल को आपने सेव कर लेना है पहले नंबर के ऊपर, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे दें। उसके बाद आपने उसको जैसे क्लोज करना है, और दोबारा आपने ऑटो कैड के ऊपर जिधर आपके पास ये ड्राइंग पड़ी हुई है उस ड्राइंग को आपने दोबारा ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये आपके पास लिप्स कमांड इधर लोड हो जाएगी। तो ये हमारी लिप्स कमांड जो होगी ये RDS के नाम से चलेगी। RDS आप इसको प्लॉट करेंगे तो ऊपर आपके सामने कमांड बार के ऊपर आ जाएगा, इसको आपने जैसे क्लिक कर लेना। तो क्लिक करेंगे तो ये इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूँ, तो ये आपसे पूछ रहा है स्केल फैक्टर कितना है। तो स्केल फैक्टर हमारे पास इधर इसका 1 का ही आएगा। उसके बाद स्टार्ट RD हमारी है, स्टार्ट RD हमारी 0 वाली है, आपने 0 दे देना है। उसके बाद आपने इंटरवल देना है। इंटरवल आप ये दे सकते हैं कि आपने जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स लगाने हैं उतना उतना आप ऑफसेट इसका दे सकते हैं, इससे कम का भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बेहतर यही है अगर आप डेटा लिंक के जरिए बनाना चाहते हैं तो जो जो से आपकी RDs इधर लगी हुई है वही RDs का आपने इंटरवल इसके अंदर देना है। तो इधर हम आप 100 मीटर की है तो आपने जैसे 100 इनपुट कर देना है। उसके बाद RD मार्कर डिस्टेंस वो पूछ रहा है, मार्कर डिस्टेंस जो हमारे पास RDs के दरमियान वाला होता है तो उसको हम 25 कर देते हैं कि 25 के ऊपर हमारा मार्कर लग जाए, और जो RD हमारे लगेगी वो हमारी 100 मीटर के ऊपर लगेगी। तो आपने इधर से 25 भी कर सकते हैं और उसको 50 भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर 25 कर देता हूं। उसके बाद मैंने इंटर करना है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जैसे इसका जो मार्किंग का जो डिस्टेंस है वो आपने जैसे इसको पिक करना है।
तो इस इधर से आपने इसका कोई नाम दे देना है आप इसको, मैं इधर से इसका नाम ए इंटर कर देता हूँ। ए इंटर करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि पॉली लाइन या लाइन जो भी आपके पास है जिसके ऊपर आप आरडी लगानी है उसको आप सिलेक्ट कर लें। तो ये मेरे पास इधर सेंटर लाइन जा रही है, आप ये देख रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा प्लान को इधर बड़ा करता हूँ और इधर से मैं इसकी सेंटर इधर सेंटर लाइन के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे ये मेरे पास इधर आरडी सारी इसकी लग गई है 0/100 और ये मार्कर इसके 25.5 के ऊपर ये इसके लग गए, ड्रा हो गए। आपने इसको प्लान आरडी प्लान कमांड को इसी तरह यूज़ करना है, आपने RDS इसके अंदर टाइप कर देना है RDS, तो उसके बाद स्केल फैक्टर 1 है इंटर कर देना है। आप स्टार्ट आर डी हमारे पास 0.0 है, आपने इसकी जो से भी RD आप देना चाहते हैं 500 से वो आप कर सकते हैं, 0 कर दें। उसके बाद इसका जो इंटरवल है मैं इधर पहले मैंने 100 दिया था, मैं इधर अभी आपको पास इधर 25 कर देता हूँ। 25 करने के बाद मार्कर का भी जो इंटरवल है वो भी मेरा 25 ही है, 25 कर दूंगा। कोई भी नेम मैं इधर से देता हूँ, ए दिया था मैं, उसके बाद इधर से इसको बी कर देता हूँ। इधर से मैंने दोबारा वो मुझसे पूछ रहा है सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने का, सेंटर लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये आपके सामने ये पूरी RDs 25.5 के ऊपर आ जाएंगी पूरा इसका सिस्टम। तो आपने इसकी RDs जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर भी लगानी है आप इसकी RDs को उतने उतने डिस्टेंस के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो मैं इधर से इसको पैक करूँगा और इसको दोबारा 100 मीटर के ऊपर मैं इसको लगाऊंगा, तो जितनी भी आरडीएस के ऊपर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। प्लान को मैंने सेव नहीं किया था, दोबारा ओपन कर लिया, दोबारा आपको बता देता हूँ। आरडीएस आपने इधर लगा देना है, स्केल फैक्टर आपने बंद कर देना है और स्टार्ट आरडी आपके पास 0 है तो आपने 0 लगा देनी है। और इसी तरह हमारे पास इंटरवेल हम इसको भी लगाएंगे 100 मीटर के ऊपर और इसका जो मार्केट डिस्टेंस होगा 25 और इसका जो नेम होएगा वो आप मैं जैसे ए कर देता हूँ और जैसे मैंने इसकी सेंटर लाइन को वैसे क्लिक करके और इसकी आरडीज को मैंने 100 मीटर के ऊपर इधर लगा दी है। तो आप भी अपने प्लान के ऊपर जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर भी ये आरडीज लगाना चाहते हैं वो आरडीज आपने इसी तरीके से इधर लगा देनी है। आरडीज लगाने के बाद आपके पास इसी जो लिप्स कमांड है ये मैं आपको इधर उसके अंदर रख दूंगा अपने कमांड बार के इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस फोल्डर के अंदर आप इसको दस इसको डाउनलोड करके और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आईडीज जो लगानी है वो आपने आईडीज इसकी इसी तरीके से आपने इसके लगा देना है। उसके बाद आपने दस इसको कॉपी करना है पहले टेक्स्ट को जो भी आपका बना हुआ है, और इसको आपने कॉपी करने के बाद इधर स्टार्ट के ऊपर ला के इधर लगा देना है और एक पॉली लाइन या लाइन की कमांड आपने ले लेनी है। इधर से आपने अपना स्नैप को ऑन कर देना है और इधर से आपने एक लाइन इधर लगा देनी है, F8 प्रेस कर देना है ताकि वो इसको आपने लाइन को बिल्कुल इसी तरह इधर लगा देना है। लगाने के बाद आप इसको जो टेक्स्ट आपने किया था इसको आपने इधर से कॉपी करना है, इधर आपने इधर लगा देना है और इधर आपने स्टार्ट के अंदर इसका BOP स्पेशल की हेडिंग आपने दे देनी है, इज इक्वल टू आपने कर देना है 0+00, थोड़ा सा स्पेस दे देना है और इसको आपने इसी तरीके से लगाने के बाद रोटेट की कमांड ले लेनी है और इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के हिसाब से इधर रोटेट कर देना है। इसके बाद आपने इसी तरह इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद जो आपका एंड जा रहा है आपने उसके ऊपर इसको लगा देना है। जैसे आपने इसको CO कॉपी की कमांड लाइन समेत आपने इसको कॉपी करना है और इधर से आपने बिल्कुल एंड के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने इसको इसी तरीके से मूव कराना है और मूव कराने के बाद बिल्कुल इसकी जो सेंटर लाइन थी उसको आपने इधर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको रोटेट करना है इसको सिलेक्ट करके और इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारे पास जा रहा था उसका लेंस का ऑफसेट उसको आपने इधर लगाना है और इस स्टेशन को आपने इधर बाहर की तरफ इधर इसको मूव करके और इसको सेटिंग कर देनी है। एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपने इधर से देख लेना है वापस क्या आ रहा था, 9+500 का एंड ऑफ प्रोजेक्ट आ रहा था। आपने इधर से EOP स्टेशन इसका टेक्स्ट को आपने रिप्लेस करना है डबल क्लिक करके और 9+500 जो भी आपके पास आ रहा होगा वो आपने इधर से लिख देना है। तो आप इस तरह इसका बिगनिंग ऑफ प्रोजेक्ट और एंड ऑफ प्रोजेक्ट लिख सकते हैं सारा, तो ये आपने इसके अंदर इसको बना देना है। बनाने के बाद आपने इधर इस शीट के ऊपर आ जाना है, ये जो मेरे पास एक्सेल की शीट बनाई थी इसके ऊपर आ जाना है। आपने इधर से मैं इसको थोड़ा सा मैं सिलेक्ट करके कट करके थोड़ा सा मैं आगे रख दूंगा ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, ये फॉर्मेट आपके लिए है। तो आप मैं जैसे इसको इधर थोड़ा सा सेम टू सेम इसी तरह इधर सामने रख देता हूँ ताकि आप इसको लगाना हुआ तो ये फार्मूला हमारा इधर उसी तरीके से आएगा। तो ये आपने इसको इधर मैं साइड पर कर दूंगा और इधर से आपने इसको अभी हमने टेबल की शक्ल में इधर से कन्वर्ट करना है, टेबल की शक्ल में कन्वर्ट करके या आपने इसका डिफाइन नेम करना है।
अभी आपने ये देखना है कि आपके पास आपने ये इसकी जो शीट्स बनानी है वो कितने कितने डिस्टेंस के ऊपर बनानी है। हमारे पास जो प्रिंट है इसका प्रिंट आपने पहले एडजस्ट करना है उसकी रेक्टेंगुलर को आपने उसके हिसाब से कि आपके पास जो एक शीट आएगी वो कितनी आरडीएस के ऊपर आती है। अगर आप 800 मीटर की शीट बनाना चाहते हैं तो आपने इधर से इसी तरीके से रेक्टेंगुलर आरईसी की कमांड ले लेनी है, उनसे आपने एक रेक्टेंगुलर को इधर ड्रा करना है, आपने ड्रा कर देना है आरडी के हिसाब से। ये हमारे पास 800 वाली आरडी है तो आपने इसको इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर ला के और इधर इसको कर देना ताकि हमारा जो ये प्लान है ये पूरा हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर रहे। उसके बाद आपने कंट्रोल पी की कमांड लेनी है और इधर से आपने कोई प्रीवियस कमांड में पीडीएफ के शेप में जो है उसको मैं इधर से सिलेक्ट कर दूंगा, ये माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ है। इधर से विंडो की कमांड मैंने लेनी है और इधर से इससे रेक्टेंगुलर जो मैंने बनाई है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको फिट टू पेपर कर देना है, सेंटर टू प्लॉट कर देना है। इधर से ये दोनों ऑप्शन आपने इसके ऑन कर लेने हैं और इधर से लैंडस्केप आपने कर देना। उसके बाद आपने इधर से इसका प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखना तो आप देखेंगे हमारी जो लाइन आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी लाइन है और इधर से हमारे पास गैप है तो उसको आपने इधर एडजस्ट करना है। उसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, आपने इसको इधर से स्केप कर देना है और इसको भी ख़त्म कर देना है और इधर से आपने दोबारा रेक्टेंगुलर की कमांड एक ले लेनी है। आपने रेक्टेंगुलर कमांड लेनी है और इधर से आपने इसी तरह इस स्केल को आपने थोड़ा सा रेक्टेंगुलर को छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद आपके पास जो बड़ी विंडो थी उसको आपने ख़त्म करना है और कंट्रोल पी के ऊपर आ जाना है और उधर से आपने दोबारा प्रीवियस सेटअप के ऊपर आपने प्लॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है और उधर से आप इसकी विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे और उधर से विंडो आपने इसकी दोबारा ले लेनी है। विंडो लेने के बाद आपने इसको देखना तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर सेट हो गया पूरा स्केल। तो आपने सबसे पहले जो इधर इसको पर ये रेक्टेंगुलर आपने लगा देनी है आरडी के हिसाब से। उसके बाद आपने इसी तरीके से ये सारे रेक्टेंगुलर्स को ये जो शीट आपने पहली बनाई है इसके हिसाब से इनके ऊपर एडजस्ट करना है। कैसे करना है, आपने जैसे कॉपी की कमांड ले लेनी है, ये रेक्टेंगुलर जो बनाई है आपने जैसे इसको सेंटर को जैसे पिक करना है और इधर बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सेंटर के ऊपर आपने इसको लगा देना है। लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये लाइन आपकी बाहर जा रही है तो आपने रोटेट की कमांड लेनी है आर ओ कमांड बार की मदद से और जैसे इसके सेंटर को सिलेक्ट करके और जो नेक्स्ट शीट आ रही है आपकी आपने उसको इसी तरीके से उसके सेंटर के हिसाब से इधर एडजस्ट कर देना है। ये हमारे पास पहली थी 800 तक, ये हमारे पास 800 की थोड़ी सी ओवरलैप होगी और नेक्स्ट हमारे पास 1600 तक जा रही है। उसके बाद आपने दोबारा इसको इसी तरह रेक्टेंगुलर को आपने कॉपी कर लेना है और जैसे उसके सेंटर को आपने पिक करना है और इधर आपने पास जो नेक्स्ट जा रही होगी उसके इधर आपने इधर सेंटर तक उसको इधर लगा देना है। लगाने के बाद एडजस्ट कर देना सेंटर के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा अगर फर्क आया है तो ये आपने इसको इधर इसी तरीके से लगा देनी है। लगाने के बाद आपने रोटेट की कमांड ले लेनी है और इस शीट को आपने जो नेक्स्ट शीट जा रही है आपने उसको इसी तरीके से सेंटर के ऊपर जिधर भी आपका सेंटर बन रहा है आपने उसके ऊपर इसको लगाना है कि ये वापस सेंटर में आता जाए। उसके बाद आपने इसी तरीके से इस फॉर्मेट को जैसे कॉपी कर लेना है। ये मैं आपको सामने पूरी वर्किंग करके आपको बता रहा हूँ कि आपने इसका प्रिंट कैसे एडजस्ट करना है। इधर आपने उसको इधर इसी तरीके से इसके ऊपर आपने इसको लगाना है, इसका सेंटर आपने पिक करके इसके ऊपर आपने लगा देना है और इसको आपने रोटेट करके इन रेक्टेंगुलर्स को इसी तरीके से एडजस्ट करना है अपने प्लान के हिसाब से। बिल्कुल सेंटर में आए ये आपके रेक्टेंगुलर इसी तरीके से नेक्स्ट। तो आपने ये पूरा एंड तक सेम टू सेम इसी तरीके से ये अपने ये सारे जो आपने मॉडल बनाए हैं इसके ये हमारे मॉडल होंगे, हमारा लेआउट होएगा। आपने इसको इसी तरीके से इन सेल्स को कॉपी करते जाना है और आगे आपने इसको पेस्ट करते जाना है बिल्कुल सेंटर के ऊपर इधर से, और शीट अपने प्लान को आपने इधर बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर के अंदर इसको एडजस्ट कर देना है। इस अपना जो हमने इसकी रेक्टेंगुलर बनाई है आपने कोशिश करना है ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये सेंटर के ऊपर आएगा तो आगे हमारा प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी वो पूरी हमारी जो ये पूरी लेआउट होगी वो सेंटर लाइंस के ऊपर ही आएगी। तो आपने इसको इसी तरीके से एंड तक आपने इसके ऊपर लगा देनी है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर है। तो जो उनसे आपके स्ट्रेट पोर्शन आ रहे हैं वो तो आपका सेम टू सेम आ जाएगा। जिधर आपके पास इसकी कर्व्स की डायरेक्शंस की अलग अलग वेरीज आ रही हैं तो उसको आपने इसी तरीके से लगाना है। तो ये आपने एंड तो आप देख रहे हैं कि ये हमने शीट्स इधर बना दी है 800 कि हमने अपनी आर डिस्क बनाई है। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने अपना रेक्टेंगुलर को इसी तरीके से बढ़ाना है, उसका कंट्रोल प्रिंट भी करके कंट्रोल प्रिंट उसका सेट करना है और सेट करने के बाद पूरी की पूरी शीट्स को आपने बना देना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 शीट्स हमारे पास इसकी बनी है, क्योंकि एरिया बहुत बढ़ाएगा।
तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने जब इसको शीट्स को एडजस्ट करना है तो आपके प्रिंट प्रीव्यू के अंदर इसकी आइडियाज़ और ये प्लान हमारा थोड़ा सा बिल्कुल वाजिया नज़र आए। तो आपने इसको इसी तरीके से इनकी शीट्स को इधर एडजस्ट करना है। ये शीट को एडजस्ट करने के बाद आपने इधर सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपने इधर ऑटो कैड के प्लान के ऊपर आ जाना है। ये भी आप ये देख रहे हैं ऑटो कैड का प्लान हमने ये बनाया था बिल्कुल स्टार्ट से लेके, आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप इसको उसी तरीके से लगा भी सकते हैं। तो आपने इधर से इसी तरीके से इनको अभी हमने 8800 के ऊपर अभी हमने इसको एडजस्ट करना है। तो ये हमारे पास पहले जो शीट थी ये हमारे पास 800 आ रही थी, इधर से मैंने इसको थोड़े से सेल को इधर से इंसर्ट कर देना है और ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने इधर से कॉपी कर लेना है और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। 800 के ऊपर हमने बनाया है, पेस्ट करने के बाद आपने इधर से जो एक्स्ट्रा सेल हैं उसको आपने इधर से ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा ये 800 था आपने दोबारा 1600 के ऊपर आपने जाना है और जैसे इसको आपने इंसर्ट कर देना है और ये फॉर्मेट जो था आपका आपने उसको जैसे कॉपी करना है और इसके ऊपर आपने इधर लगा देना है। तो ये आप ये देख रहे हैं तो इसी तरीके से हमारे पास ये 16 है तो उसे हमारे पास आ जाएगा 2400। उसके ऊपर आपने इसको इसी तरीके से इंसर्ट करते जाना है और इधर आपने जितने जितने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एक एक शीट के ऊपर आपने बनाया है तो आप उसको इधर इसी तरीके से आपने उसकी शीट्स को उस हिसाब से एडजस्ट करना है। ये जैसे मैंने उसके सेल बना दिए हैं तो आपने जैसे इसी तरीके से उसको जैसे कॉपी करना है और इधर नीचे जितने जितनी आपकी शीट का डिफरेंस है आपकी शीट की लेंथ है उतने उतने के आपके ऊपर एक कोऑर्डिनेट्स जो आपके पास आ रहे हैं जितनी आरडीस के ऊपर वो आप जो लगाना चाहते हैं उतने उतने के ऊपर आपने ये टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है ये इधर पेस्ट कर देना है। ये इसी तरीके से आपने एंड तक लगा देना है। हमारे पास उधर 12 शीट्स बनी थी तो आपने इधर इसी तरीके से इसके भी 12 आपने इसके सेगमेंट इधर से बनाने हैं। ये आपने इसी तरीके से ये आपके सामने मैं वर्किंग करता जा रहा हूँ तो ये आपने इधर उसके ऊपर आपने इधर डिस्क्रिप्शन उसका लिख देना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हमने इसका डिफाइन नेम करना है तो आपने इधर से इसको पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है इधर तक। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा पास सेगमेंट 1 है, आपने इधर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो ये डिफाइन नेम आपके पास आ जाएगा। आपने कैसे करना है जैसे इस पोर्शन को एंड तक इधर तक सिलेक्ट कर लेना है, डिफाइन नेम को आपने जैसे क्लिक करना है और इधर ऊपर आपने नेम दे देना है। मैं इधर से कर देता हूँ डेटा 1, ये डेटा 1 आ जाएगा हमारा, ओके कर देना है। उसके बाद आपने इधर से सिलेक्ट करना है और इस पोर्शन को इसी तरीके से डिफाइन नेम के ऊपर आना है और इसे डेटा 2 आपने 2 का आपने फॉर्मेट बना देना है। इसी तरीके से आपने इधर आना है और इधर तक सिलेक्ट करना है और इधर से आपने डिफाइन नेम डेटा 3 ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट सेल को आपने सिलेक्ट करना है, डिफाइन नेम डेटा 4। उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है इसी तरीके से डेटा 5, इसी तरीके से नेक्स्ट डेटा 6 आपने इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाना है। और जो जो से भी शीट्स जितने जितने ऊपर आपने लगानी है उतने उतने के ऊपर आपने यही प्रैक्टिस करनी है। उसका डेटा सेल भी उतने बनाने हैं और उसका डेटा नंबर्स जो है आपके उतने ही हों आरडीज के हिसाब से जो जो से आप एक प्रिंट के ऊपर शीट को लेकर आना चाहते हैं ऑटोकैड के ऊपर। और ये लास्ट के ऊपर हमारे पास डेटा 12 तो ये हमने बना दिए इधर। अभी आप ये इधर इस अपने कॉर्नर के ऊपर आएंगे, इधर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे डेटा 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बन गए। डेटा 1 को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका डेटा 1 सिलेक्ट हो जाएगा कॉलम्स। डेटा आप 2 को सिलेक्ट करेंगे तो डेटा 2, इसी तरीके से डेटा 3। ये आपका इसी तरीके से ये जो जो से भी डेटेज आपने बनाए ये ऑटोमेटिकली इधर से सिलेक्ट होते जाएंगे। 9 है तो 9 है और लास्ट में आपका 13 था, 12 था आपके पास 12। ये आपने इसी तरीके से इसको डिफाइन नेम कर देना है। तो ये आपने ये शीट को इसी तरीके से फॉर्मेट के ऊपर आपने ले आना है जो से कोऑर्डिनेट आप जिस प्रिंट शीट के ऊपर रखना चाहते हैं। अगर आप सारे लेवल्स कोऑर्डिनेट्स एक ही के ऊपर रखना चाहते हैं तो उसको आप एक ही फॉर्मेट बना लें, इसके अंदर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन भी ऊपर एक ही रहेगा। अगर आपने अलग अलग शीट्स के ऊपर बनानी है तो आपने स्टेशन उसके कोऑर्डिनेट्स राइट लेफ्ट और जो उसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं और ऊपर जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है वो सारा आपका हर शीट के ऊपर रिपीट होना है तो आपने उसको इसी तरीके से बनाना है। उसको आपने सेव कर देना है जिधर भी आप रखना चाहते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर कंप्यूटर के ऊपर आपने सेव इसको कर देना है। मैं ये डेटा लिंक के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, उधर मैंने उसको इधर सेव कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से इसको इधर सेव कर दें अपने कंप्यूटर के ऊपर इस डेटे को इसी फॉर्मेट के ऊपर बना के जो जो सी आर डी के ऊपर आपने ऑटो कैड के ऊपर ये हमने बॉक्सेस बनाए हैं इसके जो प्रिंट्स बनाए हैं उसके हिसाब से। अभी आपने ऑटो कैड के ऊपर इधर आ जाना है। तो उसके बाद आपने जैसे डी एल कमांड बार के अंदर टाइप करना है। डी एल टाइप करेंगे तो ये आपके पास इधर देखेंगे डेटा लिंक
इधर आ रहा है, आप इसके ऊपर से क्लिक कर देना। तो ये क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देखेंगे डेटा लिंक मैनेजर ओपन हो जाएगा, क्रिएट ए न्यू एक्सेल डेटा लिंक, आपने इसको क्लिक करना है। आपने इधर D1 कर देना है, D1 डेटा वन हमारा आ जाएगा, ओके कर देना है। आपने इधर से इसी तरीके से इस शीट को आपने ब्राउज़ करना है, इधर से इसके ऊपर आ जाना है और इधर से ब्राउज फाइल आपने ब्राउज करनी है और जिधर आपके पास वो फाइल पड़ी हुई है डेटा लिंक प्लान मेरे पास है, इसके अंदर मैंने उसको सेव किया था, तो ये डेटा लिंक की शीट पड़ी हुई है। तो आपके पास भी अपने कंप्यूटर के अंदर जिधर भी आपने उस शीट को सेव किया है इधर से इसको इधर से आपने ओपन कर देना है। ओपन करेंगे तो ये शीट आपके पास इधर आ जाएगी। इधर से आप देख रहे हैं सिलेक्ट शीट लिंक, तो ये आपने लिंक हमारे पास शीट एक्सेल का है और इधर आपके पास नीचे ऑप्शन 2 आ रहे हैं लिंक इंटरनल शीट्स और सेकेंड ऑप्शन आपके पास लिंक टू नेम रेंज। आपने इधर से लिंक टू नेम रेंज को आपने सेलेक्ट करना है इधर से, या आपका थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आपका थोड़ा सा टाइम लगाएगा आपके सिस्टम के हिसाब से, तो आपने इधर से इसको इसी तरीके से करना है। उसके बाद आप इसको इधर से नीचे क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे जो आपने उधर एक्सेल शीट के ऊपर जो भी आपने उधर उसके फॉर्मेट हमने बनाए थे डेटा लिंक 1, 2, 3, 4, 5 सारे इधर आ रहे हैं। तो आपने डेटा लिंक 1 को सिलेक्ट कर लेना है, 1 सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपके पास इधर डेटा आ जाएगा, आपने इसको इधर से ओके कर देना, तो ये हमारे पास डेटा 1 आ गया। आपने इसी तरीके से क्रिएट न्यू के ऊपर जाना है और इधर डेटा 2 आपने कर देना है, इसको ओके करना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस आपने इधर करते जाना है, उस शीट को आपने दोबारा सेलेक्ट कर लेना है। लिंक टू नेम इधर से आपने इसको क्लिक करना है, इधर नेम के ऊपर आना है, इधर से नीचे आपने इसको ब्राउज कर देना है और नंबर 2 आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। 2 नंबर का डेटा था तो हमारा डेटा नंबर 2 इधर आ जाएगा। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। हमारे पास आप देख रहे हैं 1 और 2 दोनों क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद आपने इसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और डेटा 3 आपने बना देने हैं। बनाने के बाद आपने इसी तरीके से फाइल को इधर से सिलेक्ट कर लेना है दोबारा और इधर लिंक के ऊपर आपने आ जाना है, इधर इसको क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा टाइम आपका हो सकता है उसके ऊपर लगाए, आपने जैसे डेटा 3 आपने सिलेक्ट कर लेने हैं, ओके कर देने। ये 3 वहाँ पर डेटा इसी तरीके से आपने आगे सेम टू सेम यही फॉर्मेट इधर से करते जाना है और डेटा आपके पास नेक्स्ट हमने बनाए थे 13 नंबर तक डेटा, तो आपने डेटा उसको सिलेक्ट करते जाना है। इधर से डेटा नंबर आप 5 देख रहे हैं इधर और इसी तरीके से आपने नेक्स्ट में आना है डेटा 6 आपने इधर लिख देना है इसका और जो भी हमारे पास शीट को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इधर से आपने उसी का डेटा इधर से बना देना है। इसी तरह क्रिएट न्यू में आते जाना, थोड़ी सी स्पीड मैंने इधर तेज कर दी है ताकि सेम टू सेम प्रोसेस से थोड़ा सा हमारी वीडियो का टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो आपने इसको इसी तरीके से पूरा फाइनल करना है, आपने जितने डेटे आपने बनाए हैं जितनी शीट के हिसाब से सारे डेटे आपने जैसे न्यू क्रिएट के ऊपर जाना है, इधर से शीट को सिलेक्ट कर लेना है, नीचे डेटा लिंक में आना है और जैसे 9 नंबर डेटा आपने सिलेक्ट कर लेना है, डेटा 10 आपने इसी तरीके से फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने इधर डेटा 10 आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेटा 11 हमारे पास है, डेटा 11 को भी आपने इसी तरीके से इधर सेम टू सेम आना है और जैसे उसको सिलेक्ट कर देना है और लास्ट के ऊपर हमारे पास डेटा 12 आपने डेटा 12 लिखना है जैसे और सेम टू सेम इसी तरीके से इधर से आना है। ऊपर भी शीट आपके पास पड़ी हुई है, ब्राउज करना चाहते हैं ब्राउज करते हैं, लिंक को आप क्लिक करके उधर नीचे से डेटा ऊपर कॉलम के ऊपर आप क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा आपका हो सकता है टाइम लगाया लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपने 12 करके ओके कर देना। तो ये आप ये देख रहे हैं हमारे पास सारे इधर डेटा सारे आ गए हैं 1 से लेके और इधर नीचे 12 तक सारे डेटे हमारे पास इधर आ गए हैं सारे। तो इधर से आपने ओके कर देना, ओके करने के बाद आप इधर से सिस्टम को सेव कर दें, आपने फाइल को सेव कर देनी है और सेव करने के बाद आपने इधर से ड्रा के ऊपर आना है, ड्रा के ऊपर आना है और इधर से आपने ये टेबल वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। इधर आना आपने ड्रा के ऊपर आना है, दोबारा बताता हूँ, ड्रा के ऊपर आपने आना है और इधर से टेबल वाले ऑप्शन को आपने इधर से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करना है तो आपके पास इधर फॉर्मेट ये पूरा टेबल आपके पास आ जाएगा इनसाइड टेबल का, नीचे इधर आपके पास फॉर्मेट डेटा लिंक है, आपने इसको इधर से क्लिक करना है और सिलिंक डेटा लिंक, तो ये आप देख रहे हैं सारे डेटा लिंक्स आपके पास आ रहे हैं। आपने जैसे 1 सिलेक्ट कर देना है और करने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये डेटा आपके सामने आ जाएगा, आपने जैसे ओके करना है और जिधर आप उस डेटे को लगाना चाहते हैं इस शीट के ऊपर आपने उसको लगा देना है। इसी तरीके से आपने दोबारा ड्रा के ऊपर आ जाना है और जैसे आपने टेबल के ऊपर आना है और जैसे फ्रॉम डेटा लिंक कर देना है और जैसे फाइल डेटा 2 आपने जैसे सिलेक्ट कर लेनी है और करने के बाद आपने इधर 2 के ऊपर आपने उसको लगा देना है। इसी तरीके से आपने स्पेस दबानी है और ये आपके पास डेटा आ जाएगा, आपने जैसे डेटा 3 सिलेक्ट कर लेना है और इधर आपने इसको ओके कर देना है, ओके करके डेटा 3 वाले साइड के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है, डेटे को स्पेस दबा देनी है और वही सेम टू सेम प्रोसेस आपने करते जाना है। डेटा 4
दिस ओके कर देना है, अपनी रेक्टेंगुलर का पेस्ट कर देना है, स्पेस दबाना है, डेटा 7 और 7 नंबर जो आपके पास प्रिंट टेबल था उसके अंदर आपने इसको लगाते जाना है। इसी तरीके से 8 नंबर, इसी तरीके से आपने 9 नंबर के पर थोड़ी सी स्पीड मैंने इधर तेज़ की है, प्रोसेस वही है ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि शुरू से लेकर एंड तक आप इसको कैसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये मत और लास्ट के पर भी आपने इसी तरीके से इसको इधर 12 को डेट को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने ओके कर देना है तो ये हमारा डेटा इधर आ जाएगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं सारे डेटेज हमारे पास इधर आ गए हैं। अभी आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है इधर से और इस डेटे को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने स्केल की कमांड लेनी है, उसके ऊपर SC स्केल की कमांड लेके टेबल को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने इसको थोड़ा सा बड़ा इसी तरीके से इधर कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं और आप इधर इसकी कोई एक फिगर दे दें स्केल की, वो आपने इसको कर दें। मैं 35 की फिगर दे देता हूँ और इसको आपने इधर लाइन के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल एडजस्ट करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट को पर आ जाना है, स्केल की कमांड लेनी है, राइट क्लिक करना है और मैं इधर 35 को मैंने पहले दिया था, सेकंड के ऊपर भी मैं इसको 35 की ही दूंगा ताकि मेरा टेक्स्ट सेम टू सेम उसी तरीके से रहे। उसके बाद आपने इसको इधर इसी तरीके से रोटेट कर देना है इधर बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरीके से हमारी इधर रेक्टेंगुलर बनी हुई है उसके हिसाब से आपने इसको इधर बिल्कुल रोटेट करना है सही करके। इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं करने के बाद, लेकिन आप इसको इधर से मैं इसको रोटेट की कमांड के जरिए इसको एडजस्ट करूँगा इधर। तो आपने इधर इस तरह कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट को पर आ जाना है, स्केल की कमांड ले लेनी है 35 का स्केल या जो भी स्केल आपने इधर से एडजस्ट कर देना है उसके हिसाब से इसका स्केल आपने इधर से देना है, उसको आपने रोटेट कर देना है बिल्कुल अपने रेक्टेंगुलर के हिसाब से जो जा रही है उसके हिसाब से आपने पैरेलल इसको करना है। और उसकी जगह आप ये देख लें, लाजमी नहीं आप एक ही जगह पे रखते जाएं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल इसको इधर ऊपर रखूँगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट इसको पर आ जाना है, 3rd के ऊपर इधर से आपने स्केल की कमांड लेनी है 35, इंटर में कर दूंगा और जैसे आपने रोटेट इसी तरीके से इसको इस लाइन के हिसाब से पैरेलल आपने कर देना जो भी नीचे आपके पास जा रहा है इधर से। उसके बाद आपने इसको इधर लगा देना है अपने इस रेक्टेंगुलर के अंदर इसी तरीके से सेम टू सेम यही प्रोसेस आपने सारा करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो स्केल हमने दिया है उसी के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है और उसके बाद आपने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारे पास रेक्टेंगुलर जो जा रही है इसके हिसाब से आपने इसको रोटेट करना है, बिल्कुल इसके पैरेलल आपने इसको लेके जाना है। पैरेलल लेके जाने के बाद आप इसको इधर से एडजस्ट करके और इधर सेंटर के ऊपर इधर आप इसको लगा दें। इसी तरह रिपीट प्रोसेस, स्केल आपने जो एडजस्ट किया है उसके हिसाब से आप सब लगा दें उसको और आपने इस चीज़ का उसके अंदर ख्याल रखना है कि जो भी हमारे पास रेक्टेंगुलर ऊपर जिस स्केल के ऊपर जा रही है आपने इसके ऊपर इसको रोटेट लेना है। आरओ की कमांड ले लेनी है, पहले स्केल की कमांड लेनी है, जो भी स्केल 35 मैंने इधर लगाया आप अपनी टेबल के हिसाब से उसका एडजस्ट कर लीजिएगा और वही स्केल आपने शुरू से लेकर एंड तक सबके ऊपर लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर नहीं किया और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। ये आपने इसी तरीके से इसी सारे जितने टेबल्स हैं मैं आपको पूरा फॉर्मेट इसका अलग अलग ड्रा करके बता रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना रह जाए इसके अंदर। अभी आप ये देख सकते हैं हमने सारा इसके स्केल के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया और इसके ऊपर बिल्कुल जितने इधर हमने इसको लगाना था हमने सेम टू सेम लोकेशंस के ऊपर इसके ऊपर लगा दिए। इस देर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो रेक्टेंगुलर आपके प्रिंट वाली बनी हुई है आपने इसके पैरेलल लगाना है, ये जिस डायरेक्शन में जा रही है आपने इसको उसी डायरेक्शन के अंदर इधर लगाना है। आपने अगर नॉर्थ एरो लगाना है वो भी आपने इसी डायरेक्शन के अंदर इसके अंदर लगाना है। तो आपने ये पूरी इसकी सेटिंग इस तरीके से कर देनी है। ये आपने डेटा लिंक के सारे टेबल इधर लगा दिए हैं। इधर हमने जो ऑफसेट इसके लगाया था वो -50-50 का था, आप इधर से ऑफसेट -25 के लगाना चाहेंगे तो वो 25 के भी लगा सकते हैं, डेटा आपका उधर अपडेट होएगा। तो वो हम आगे आपको बताते हैं आपने कैसे करना है उसको। इसके मुख्तलिफ डेटा लिंक का फ़ायदा हमारा ये होएगा कि आप इधर इसके मुख्तलिफ ऑफसेट्स के ऊपर प्रिंट निकाल के और इसका डेटा सेम टू सेम इसी फॉर्मेट के अंदर चेंज कर सकते हैं, अपने ऑफसेट्स का भी, सेंटर लाइंस का, राइट और लेफ्ट ऑफसेट का भी, जो डेटा आप एक्सेल के ऊपर इधर चेंज करेंगे वही डेटा आपका इधर होएगा। तो हम पहले आप इसके ऊपर नेक्स्ट जाते हैं और इसकी नेक्स्ट वर्किंग अपनी लेआउट के ऊपर इसके प्रोफाइल को एडजस्ट करेंगे कि इसका हमने प्रिंट कैसे निकालना है, उसको कैसे बनाना है। तो आपने इधर से लेआउट के ऊपर आ जाना है, लेआउट 1 या लेआउट 2 जिसके ऊपर भी आते हैं आपने इधर से सबसे पहले आपने इसके ग्रिड ऑफ, क्योंकि विंडोज़ के ऊपर ग्रिड नज़र आ रहे हैं आपने कीबोर्ड की मदद से F7 प्रेस करना है तो ये आपके पास इधर ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने इधर से लेआउट के ऊपर आ जाना है और इधर से इसको ख़त्म कर देना है, उसको सिलेक्ट करना है और अरेज कर देना है। इधर से आपने MVU लेना है, MV की कमांड है, MVU के लिए MV की कमांड आपने लेनी है और इधर से आपने
इधर इसके ऊपर पहली विंडो इधर बना देनी है। आप पहली विंडो बनाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास पूरी वो जो हमारे पास पूरा सेक्शन बना हुआ था सारा आ गया। आपने इस विंडो के अंदर इधर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और इधर से आपने पहली विंडो को आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। पहली विंडो को आपने सिलेक्ट करने के लिए आपने उसको इधर फिक्स करना है अपने पूरे प्लान के ऊपर कि हमारे पास ये पूरी विंडो इसके ऊपर फिक्स हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इधर से जूम और विंडो की कमांड ले लेनी है, जूम प्रेस करना है, उसके बाद डब्ल्यू प्रेस करना है और इधर से आपने F3 प्रेस करके और इधर से कंट्रोल कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है और राइट क्लिक करना है और इधर से आपने जो हमारे पास एंड पॉइंट या मिड पॉइंट आप जा रही है एंड पॉइंट आपने जैसे सिलेक्ट करना है इसकी पहली विंडो, उसके बाद इसी तरीके से आ जाना है और इधर से कंट्रोल को आपने प्रेस करके रखना है, राइट क्लिक करना है और दोबारा एंड पॉइंट को आपने सिलेक्ट करना है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये हमारी विंडो थी स्ट्रेट, तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास व्यू के अंदर पूरा एडजस्ट हो गया पहला। उसके बाद आपने जैसे इसको कॉपी की कमांड ले लेनी है और कॉपी की कमांड लेने के बाद इस व्यू को आपने इधर से कॉपी करना है और इधर से सामने इधर लगा देना है। आप ये देख रहे हैं कि वही कॉपी है, ओके हमारे पास आ गया। आपने इसके अंदर डबल क्लिक करना है और अभी हमने ये जो हमारे पास सेकंड विंडो जा रही है ये आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर से रोटेट हुई है, इसको हमने इधर से रोटेट करना है। रोटेट के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको डबल क्लिक करके आपने रखना है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं इधर आपने विंडो के अंदर डबल क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा मैं व्यू को बड़ा कर देता हूँ ताकि इधर व्यू बाजा नजर आए। इधर आपने इसको डबल क्लिक रखना है, उसके बाद आपने UCS की कमांड लेनी है। UCS आप प्रेस कर देंगे, इधर से आपने इसकी विंडो को पहले नंबर के ऊपर इधर से सिलेक्ट करना है। इधर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास ये जो इसका नेक्स्ट कार्नर आएगा इसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने थर्ड नंबर के कार्नर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्लान लिखना है PLAN प्लान और लिख के इंटर कर देना है। इंटर करके और इसको करंट व्यू के ऊपर आप कर देंगे तो ये आपकी पूरी विंडो इसका आप ये देखेंगे ये हमारा जो व्यू है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसी तरीके से जूम लेना है, जूम की कमांड, उसके बाद आपने विंडो की कमांड के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने कंट्रोल कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है और इधर से एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट, उसके बाद आपने इधर से इसी तरह कंट्रोल प्रेस करके और माउस के राइट क्लिक करना है और उसके इधर से एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट को आपने सिलेक्ट कर देना। तो ये आप ही देखेंगे सेकंड नंबर के ऊपर आपकी विंडो उसी प्लान के हिसाब से एडजस्ट होगी। इसी तरीके से आपने इसको कॉपी करना है और आगे इधर ले आना है। आगे आप लेकर आएंगे और इधर इसी तरीके से आपने उसको डबल क्लिक करना है और अगर नेक्स्ट हमारे पास ये वाली विंडो जा रही है तो इसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा इसका जूम में कर लेता हूँ, डबल क्लिक करना है, UCS ये आपने कमांड ले लेनी है और आपने इधर से इस कॉर्नर को आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेकंड नंबर के कॉर्नर को, उसके बाद आपने थर्ड नंबर के कॉर्नर को सिलेक्ट करने के बाद प्लान लिख देना है कीबोर्ड के ऊपर और इंटर कर देना है और उसके बाद करंट व्यू सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारी तीसरी विंडो भी उसी हिसाब में एडजस्ट हो गई है। आपने इसी तरीके से जूम और विंडो की कमांड ले लेनी है और माउस की मदद से कंट्रोल को प्रेस करके माउस की मदद से राइट क्लिक करना है और जैसे एंड पॉइंट आपने ये वाली विंडो ले लेनी है और इसी तरीके से आपने कंट्रोल को प्रेस करके माउस के राइट क्लिक को प्रेस करना है और एंड पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पास थर्ड नंबर के ऊपर भी हमारे पास जो शीट थी वो जैसे इसी तरीके से एडजस्ट हो गई है। इसी तरीके से आपने जैसे कॉपी करते हुए अपनी फोर्थ शीट के ऊपर भी आ जाना है, जैसे आपने डबल क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट शीट हमारे पास ये वाली है, इसको आपने जैसे इसी तरीके से डबल क्लिक कर लेना है और जैसे UCS की आपने कमांड लेनी है, UCS और इधर से पहला कॉर्नर इस विंडो का, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ये वाला कॉर्नर है, उसके बाद थर्ड नंबर का कॉर्नर है, उसके बाद आपने डायरेक्ट इधर प्लान लिखना है और डबल इंटर कर देना है। डबल इंटर करेंगे तो ये हमारे पास शीट इधर सामने आ गई है। आपने जूम और विंडो ले लेनी है, जेड प्रेस, ई प्रेस, डब्ल्यू प्रेस, उसके बाद आपने कंट्रोल को प्रेस करके राइट क्लिक करके और एंड पॉइंट और इसी तरीके से दूसरा आपने पॉइंट इधर से सिलेक्ट करके इसको इधर उसके सामने कर देना है। इसी तरीके से सेम टू सेम वही यही वर्किंग आपने आगे करते ही। तो ये आप ये समझ गए UCS की कमांड आपने कैसे यूज़ करनी है और उसके बाद UCS करने के बाद आपने प्लान को एंटर करना है, उसके बाद उस शीट को आपने जैसे देख लेना है, वो शीट आपके सामने इस प्लान के हिसाब से स्ट्रेट होगी। कंट्रोल को कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है, माउस के साथ उसको प्रेस करने के बाद माउस के साथ राइट क्लिक को आपने करना है और जैसे दोनों विंडोज़ उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यही प्रोसेस आपने सारी शीट्स के साथ करना है। उसके आपने उसका जो
यूसीएस का प्लान है उसको आपने 90 डिग्री के ऊपर अपने रेक्टेंगुलर के ऊपर इसी तरीके से एडजस्ट करना है उसके प्रिंट के हिसाब से। आप कॉपी करते जाएं, आप सबको भी कॉपी कर सकते हैं अलग अलग, और अपनी उन शीट्स के ऊपर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स हैं तो आप उसके ऊपर इधर नंबर लगा लें 1 2 3 4 5 6 7, ताकि वो आपको इधर समझने में थोड़ी सी ईजी हो, क्योंकि प्लान जब बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर ये शीट्स ढूंढनी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। तो आपने विंडो के अंदर ही उसका 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख के शीट के नंबर लगा देने, ताकि आपको इधर उसको ढूंढने में दिक्कत पेश ना आए। तो आपने मेरे वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपने इसी तरीके से इसको कॉपी करते जाना है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के समझने में कोई दिक्कत पेश ना है। तो आपने इसी तरीके से इसको इधर से बना देने है, और पूरे का पूरा आपने यूसीएस की कमांड सबसे पहले आपने लेनी है। यूसीएस लेने के बाद आपने इधर से इसको इसी तरीके से सिलेक्ट करके और इधर से आपने प्लान कर देना है इसको, और प्लान करने के बाद इन ये विंडो को आपने इसी तरीके से जूम इंटर डब्ल्यू इंटर आपने करना है कंट्रोल कीबोर्ड की मदद से पकड़ के, माउस की मदद से राइट क्लिक करके, और इधर से आपने इसकी विंडो को इधर से ले लेना है। ये आपकी सेटिंग होती जाएगी सारी, इसी तरीके से आपने कॉपी करना है और आगे आ जाना है। ये आखिरी शीट हमारे पास, ये आपने इस शीट्स को इसी तरीके से बना देना है। तो ये आखिरी शीट भी हमारी सेम टू सेम है, आपने जूम और विंडो करना है माउस की मदद से एंड पॉइंट इधर सेलेक्ट कर लेना है, और ये विंडो इधर से आपने सेलेक्ट करनी है इसकी, और इस तरह इसी तरीके से दूसरी साइड के ऊपर भी आपने क्लिक करके इसको बना देना है। तो ये भी आपने सारी बना दी हैं, ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 शीट्स हमारे पास बन गई। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये लाइंस जो हमारे पास प्लान के ऊपर लगी हुई है ये ऊपर आ रही हैं। तो आपने इधर से आना है इस दोबारा मॉडल के ऊपर, और ये जो आपने इधर से बनाई हुई है ये प्लान्स, इसको आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है। इसको या तो आप ख़त्म कर दें, बल्कि अगर आपने इसके अलग अलग प्रिंट्स निकालने हैं अलग अलग ऑफसेट्स के ऊपर, तो आपने इसको इधर से इसी तरीके से कॉपी करके एक साइड के ऊपर इधर रख दें। जैसे आप इसको कॉपी करके एक साइड के ऊपर रख देंगे, वो जैसे आपने विंडो के ऊपर आना है, जिस तरह हम लेआउट के ऊपर आना है, तो ये आपके ऊपर कोई जो एक्स्ट्रा लाइन्स आपकी जा रही हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। आप इसी के ऊपर अपना जो आपकी प्रोजेक्ट की टेम्पलेट है वो आप इसके ऊपर लगा दें, आपको बनी होगी वो सारी शीट्स के ऊपर आप एक ही लगा के उसको इधर पेस्ट कर दें। सारी शीट्स के अंदर आपका इधर उसका लेआउट इधर पेस्ट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट का। इसके अंदर आप अपना नॉर्थ लगाना चाहते हैं नॉर्थ लगा दें, कोई और डिस्क्रिप्शन इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इधर से आप ये देख रहे हैं कि आरडी का टेक्स्ट भी आप इसका मॉडल के अंदर जाके इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आप इधर से प्रिंट निकाल लें, या आपका ऑफसेट अगर 50 मीटर के ऊपर था तो ये 50 मीटर की शीट सारी आपकी बन जाएंगी। इसी तरीके से इधर आपने आना है, इधर मैं आपको जस्ट ऊपर से इधर बता देता हूँ कि माइनस आप इधर 25 मीटर का ऑफसेट लिखते हैं मीटर या फिट्स का, इन शीट्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑफसेट्स आप लिख देते हैं सारे, उसको आपने कैसे चेंज करना है। इधर आपने ऑफसेट भी चेंज करेंगे और इधर आपने अपने कोऑर्डिनेट्स एलिवेशन वगैरह भी सारे चेंज कर सकते हैं। तो इधर से मैं मुख्तलिफ इसके ऑफसेट्स वगैरह इधर लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अब ये शीट उसके अंदर अपडेट कैसे होगी। तो आपने सबसे पहले जो जो से कोऑर्डिनेट्स के ऊपर आपने शीट्स बनानी है वो आप पहले पहले के ऊपर बना दें। अगर आप ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं इसके ऊपर तो शीट्स के अंदर आप अपने ऑफसेट्स को ऐड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं जिधर तक बढ़ाना चाहते हैं, और जो भी आप इसकी वर्किंग करना चाहते हैं वो आप वर्किंग उसी तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये आप जिधर से इसके बाद आपने जो भी इधर से ऑफसेट चेंज करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं, तो वो आपके उस प्लान के ऊपर ऑटोमेटिकली इधर से चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। आपके ऑफसेट्स भी, आपके इधर कोऑर्डिनेट्स भी, जो भी आप इधर करना चाहते हैं, मैं इधर से सपोज इधर एक्स कर देता हूं और ये सारी चीज़ें इधर आपके सामने इधर एक्स एक्स कर दूंगा, और इधर मैं वाई कर देता हूं ताकि उधर हमारे प्लान के ऊपर भी हमें ये चीज़ नज़र आ जाए। तो सारी की सारी आपके पास इसी तरीके से ये सारे के फॉर्मेट सारे चेंज हो जाएंगे, और उसकी सेटिंग वगैरह सारी आप इधर से जो भी आप इसके अंदर अभी आप चेंज करेंगे तो सारा उधर हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर से चेंजिंग सारी कर देनी है जिन पॉइंट्स के ऊपर आप करना चाहते हैं, और शीट्स को आपने इधर से सेव कर देना है। आपने सेव करना है, सेव करने के बाद आपने इधर ऑटो गाइड के ऊपर आ जाना है अपने मॉडल के ऊपर। मॉडल के ऊपर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी तक आपका डेटा जो होगा इधर वो अपडेट नहीं हुआ, तो डेटे को अपडेट आपने कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ इधर। तो अभी इधर हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ, आपने इधर से राइट क्लिक करना है
इस टेबल को आपने सिलेक्ट कर लेना है, इस टेबल को आपने पूरा तरह से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और इधर आपके पास आप देखेंगे इधर अपडेट टेबल डेटा लिंक्स, आपने इसको इधर से क्लिक कर देना है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा इधर अपडेट हो जाएगा, सारा जो भी डेटा आपने बनाया होगा। इधर आप ये देख रहे हैं अभी ऑफसेट हमारे पास इधर 25 और इधर 25 आ गए हैं। इधर हमारे पास जो ऑफसेट थे हमारे पास 50-50 के थे। आपने इसी तरीके से इस डेटे को इधर से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है इसके अंदर और अपडेट डेटा आपने इधर से डेटा एंड टेबल कर देना है। आप इधर से अपडेट करते जाएंगे तो वो इधर आपके पास शीट सारी इधर से अपडेट आ जाएगी। इधर 35 आ गया हमारे पास और इधर भी हमारे पास ऑफसेट 35 का आया। तो इसी तरीके से आपने नेक्स्ट टेबल को भी आपने इधर सेलेक्ट करके और इधर से अपडेट डेटा एंड टेबल आपने कर देना है। तो ये आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपने इधर से इस फाइल को आपने सेव ज़रूर करना है। आप सेव करेंगे और उसके बाद आपने इसको अपडेट टेबल के ऊपर जाएंगे तो ये आपके सारे ऑफसेट्स वगैरह जो भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे सारे इधर से ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे। आप अपने प्लान को एक ही प्लान के ऊपर मुख्तलिफ डेटास वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं वो मैंने उसका तरीकाकार सारा बताया। आप इसको इसी तरीके से काम इसके अंदर कर सकते हैं, सारा डेटा के ऊपर अपडेट जो भी डेटा होएगा वो आपने इसी तरीके से सिलेक्ट करना है और इधर से अपडेट डेटा को आपने इधर से क्लिक कर देना है। अपडेट डेटा को क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली इधर से अपडेट हो जाएगा। जो जो से भी फॉर्मेट के ऊपर आपने उधर एक्सेल के ऊपर चेंज की होगी वो डेटा आपका सारा इधर से अपडेट लिंक्स के जरिए सारा हो जाएगा। तो ये डेटे को आपने इसी तरीके से करना। अभी आप ये देख रहे हैं कि उधर हमने एक्स और वाई लिखा था, इधर ऊपर हमने ऑफसेट्स वगैरह चेंज किए थे तो सारे के सारे ये हो जाएंगे। तो आपने इसी तरह इन सारे टेबल्स को अपडेट कर देना है। प्लान आपका वही रहेगा, आपके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद आपने इधर से लेआउट को बनाना है तो इधर आपका डेटा ऑटोमेटिकली सारा चेंज हो चुका होगा। नीचे टेम्पलेट्स वगैरह आपकी लगी हुई हैं, आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, यूज़फुल तरीके से। तो आप ये इसके अंदर देखा कि हमने अपना पूरा डेटे को हमने कंप्लीट कैसे इसको बनाया, पूरा इसका प्लान को हमने कैसे एडजस्ट किया। शुरू से मैंने आपको दोनों मेथड इसके बताया, दोनों में से आप कोई भी मेथड इसका प्लॉटिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप प्लान को पूरा अपना इस डेटे के हिसाब से आप बना सकते हैं, कंप्लीट डेटा आप नीचे बना सकते हैं। जितनी जितनी आईडीज आपको चाहिए, जो जो सी रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट की, आपने कोई प्लान बना के कंसल्टेंट को सबमिट कराना है अपनी साइट के ऊपर, वर्किंग के हिसाब से आपने उसको प्रिंट निकालने है कि ये डेटा हमारा एग्जैक्ट उसके साथ प्लान भी बना हुआ और डेटा भी साथ हो, तो ये आपने उसके सारे लिंक्स उसके ऑफसेट्स वगैरह भी सारे ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर पूरा आप पूरा ये प्रोग्राम है, आप इसके अंदर से उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद न्यू शीट के ऊपर आपने उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद तरीकाकार मैंने आपको बता दिया आपने कैसे बनाने, उसके सेगमेंट्स कैसे बनाने। इधर मेरे पास 100 मीटर का मैंने ऑफसेट रखा है, आप इसका 20 मीटर को भी रखेंगे तो ये टेबल इधर से काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो इस टेबल्स को भी आप इधर से इसी तरीके से उसकी स्केल के हिसाब से उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी कर सकते हैं। ये मैंने आपके पास इधर आपको उसके बाद मैंने पूरी इसकी लेआउट का तरीकाकार मैंने आपको समझाया कि आपने इसकी लेआउट को कैसे एडजस्ट करना है और उसको कैसे बनाना है। ये इधर मैं फिलहाल इसको वैसे रख रहा हूँ अभी, ताकि ये मेरा प्लान उसी हिसाब में रहे। तो ये आपका इसको मैं प्लान को भी और इसकी जो दोनों शीट्स हैं इसका, ये मेरा जो प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ अपना कैलकुलेशंस का, कोऑर्डिनेट्स का और एलिवेशंस का, ये भी प्लान उसके साथ मैं आपके पास ये शीट भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा। और साथ इसके अंदर जो मैंने आरडीज की लिप्स कमांड यूज़ की है वो लिप्स कमांड भी मैं इसके अंदर मैं आपको रख दूँगा। आप अपना प्लान बहुत ईजी तरीके से इनको बना सकते हैं और इसकी वर्किंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेरे चैनल के अंदर और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं, अगर आप उनको समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की वीडियोस के टैब के ऊपर आप आएँ और उधर से आप अपनी मर्जी का सब्जेक्ट चूज़ करें और उसके अंदर आपको हर किस्म की चीज़ एक्सेल, ऑटो कैड, सिविल, 3D, ईगल पॉइंट्स और जो भी इंजीनियरिंग के हवाले से जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके मुतालिक कम्प्लीट डिटेल्स आपको मिलेगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपने दोस्तों यारों को भी इन्वाइट ज़रूर कराना है। अल्लाह हाफिज़।